प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव कांग्रेस नेत्री डॉक्टर जया ठाकुर अल्प प्रवास पर दमोह पहुंची, जहां पर उन्होंने बंडा पर हुई घटना के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। मालूम हो कि इस मामले को लेकर के लगातार बुंदेलखंड सहित अन्य अंचलों में राजनीति गरमाई हुई है और इसको लेकर के डॉक्टर जया ठाकुर ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। बंडा में जो घटना हुई है रेप की, वो बहुत ही अमानवीय है। उसके बाद जिस तरीके से इसको पुलिस ने लिया है, वो उनके क्वेश्चन उठाता है उनकी ड्यूटीज़ पे, क्योंकि हमारे देश में ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर में अगर किसी बच्ची का या महिला का रेप होता है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से एक तरीके का ही अपराध है। ऐसे में पुलिस ने सही तरीके से सही धाराओं में केस दर्ज भी नहीं किया और लेट दर्ज किया, जबकि उस बच्ची का पहले अपहरण हुआ था, उसके बाद रेप हुआ। जिस तरीके से पुलिस ने और प्रशासन ने इस घटना को लिया है, उसका ही परिणाम है आज जो जन आक्रोश लोगों में निकला हुआ है, और लोग मजबूरन धरने में जब बैठे, उसके बाद लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और कई लोगों पर फॉल्स केस दर्ज किए गए। तो मैं इस प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि हमारे समाज में बच्चियाँ और महिलाओं की ये दुर्दशा क्यों हो रही है। आप एक रिपोर्ट देख लें, अभी RBI की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो है छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे देश में क्या, बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में घटी होती हैं। तो ऐसे में ये शिवराज सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक करेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी 50% आबादी के साथ इस तरीके का न्याय क्यों कर रहे हैं कि जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, 10 से 11 साल की बच्चियाँ जो कन्या रूप होती हैं, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें किसी तरीके का न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि इस तरीके की अगर कोई भी घटना होती है तो निर्भया फंड जो इस तरीके की घटनाओं के लिए बनाया गया था, उन्हें उस जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और पूरी शिक्षा दीक्षा का खर्चा और नौकरी का खर्चा जिम्मेदारी के तौर पर सरकार उठाए, क्योंकि माता पिता इस तरीके की घटनाओं से एक सोसाइटी में काफ़ी शर्मिंदगी और गिलानी की वजह से उनकी सोसाइटी में जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक सामान्य जीवन यापन कर सके और उस बच्ची की मदद हो सके। जी निश्चित रूप से कई लोग हैं जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसको जातिगत ले जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए जो जिस बच्ची के साथ अपराध हुआ है या जो अपराधी है उसको आप देखें तो सिर्फ एक बच्ची के रूप में देखें और एक अपराधी के रूप में देखें। विक्टिम की और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसको जाति से दूर रखें। मैं सभी से कहना चाहूँगी जो भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें और हम अपने मुद्दे पे रहें कि उस बच्ची को न्याय मिल सके और दोषी को सज़ा मिल सके। आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रोटियां ज़्यादा लोग सेक रहे हैं ताकि आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है उसका फ़ायदा उठा सके? जी ये भी कह सकते हैं, पर अगर इसमें देखा जाए तो दोषी कौन है। अगर सरकार इसे सही समय पर एक्शन लेती तो मुझे नहीं लगता लोगों को मौका मिलता। तो ये आज जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो मौका सरकार ने ही दिया है कि लोगों को बोलने का और लाभ उठाने का अवसर मिला हुआ है। मैं पहले भी अगर कभी भी इस तरीके की घटना हुई है तो मैं सामने आई हूँ, चूँकि अभी मैं इस समय पर यहाँ पर थी तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम समाज में हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगर इस तरीके की घटनाओं पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे पढ़े लिखे होने का और सोसाइटी में रहने का और महिला होने का कोई मतलब बनता है। कि अगर हम इस तरीके की बच्चियों को अगर हमारे आवाज़ उठाने से न्याय मिल सकता है तो निश्चित रूप से मुझे आवाज़ उठानी चाहिए।